अब हमारे पास आर्टिकल 8.6 है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन करना है तो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का कैसे करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ यू इन टू वी, वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि यू को रखेंगे एज इट इज़ और वी का डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस में वी को रखेंगे एज इट इज़ और यू का डेरिवेटिव कर देंगे। एक फॉर्मूला और है हमारे पास 8.7 में कि अगर हमें डेरिवेटिव करना है u बाई वी का, यानी डिवीजन में है, तो कैसे करना है, इस v को रखेंगे एज इट इज़ और u का कर देंगे डेरिवेटिव माइनस में, अब u का रखेंगे एज इट इज़ और v का कर देंगे डेरिवेटिव, और इसको पूरे को डिवाइड करेंगे हम v स्केयर से। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनसे का यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है कि लेट कर लेते हैं इसमें y इज इक्वल टू 2x+1 इंटू में पावर 1/3 इंटू में x प्लस वन। तो यहाँ पर ये दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, इसको लेट u कर लेंगे, इसको लेट v कर लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करें तो dy वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर देंगे वो आएगा 1, प्लस में x प्लस 1 करेंगे एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले तो 1/3 पावर आगे आ जाएगी और उसकी पावर बचेगी, इसमें से घटा दो तो माइनस के 2/3 बच गई। इसमें देखिए 2x+1 है, इसका भी तो डेरिवेटिव करेंगे हम तो वो 2 आ जाएगा, यानी कुल मिला के ये आया +2/3 x+1। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको 2x+1 रेस टू पावर 1/3 +2/3 x+1। इसको माइनस पावर को प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे तो बटे में 2x+1 की पावर 2/3 बचेगी। अब लगाएंगे कैल्शियम जो कि आएगा 2x+3 2x+1 रेस टू पावर 2/3। देखिए यहाँ पर जस्ट 1 है तो ये पूरा पूरा इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये तो 3 आएगा, 2x+1 की पावर 1/3 एंड 2x+1 की पावर 2/3, पावर ऐड करेंगे तो क्या बचेगी 1 प्लस में 2, यहाँ पर ये ऊपर वाला ही आएगा, नीचे तो एज इट इज़ है हमारे पास, तो x+1। तो देखिए ये 6x+2x ये हो गया 8x एंड ये 3+2 ये हो गया 5 और डिवाइड में रह गया 3 2x+1 रेज टू पावर 2/3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है f(x)√x/(x+1) फाइंड f'(1), तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, जिसमें करेंगे फर्स्ट ये एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आता है 1/2√x माइनस में √x एज इट इज़, का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1, डिवाइड में करेंगे हम x+1 का स्केयर। इसमें देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 है तो ये 2√x ही आएगा एलसीएम, यहाँ पर बचेगा ये x+1 माइनस में ये हो जाएगा 2x और डिवाइड में तो ये है ही, ये बच गया 1 माइनस में x 2√x और x+1 का स्केयर। अब इसमें करना हमने 1 को, इसमें हमने x को 1 पुट करना है, तो देखिए क्या बनेगा 1 माइनस 1 2√1 और 1+1 का स्केयर, तो ये 0 आ गया।